नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। कोरोना ने पिछले 2 साल में जितना बवाल नहीं मचाया ना, उसकी वैक्सीन उससे ज्यादा बवाल मचा रही है। क्यों? क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि मेजर साइड इफेक्ट्स हैं और वैक्सीन लगवाने से कहीं उनकी जान न चली जाए। अच्छा, इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 रुपए की, हाँ 2 रुपए की पुड़िया से जुबां केसरी करते हैं, लेकिन उनको कैंसर से डर नहीं लगता। सुट्टा फूकते रहते हैं, फेफड़े जलने से डर नहीं लगता। बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग करते हुए रॉन्ग साइड से बाइक भगाते हैं, लेकिन सिर फटने का डर इनको नहीं लगता। वैसे ओए, सिर दूसरी चीज है जो फटेगी। पहली चीज जो फटेगी वो है तुम्हारी कमीज। वैसे जो तुमने सोचा वो भी ठीक ही है, हैं? वैसे शराब पीकर गाड़ी चलाने के बाद भी तुमको मरने से डर नहीं लगता, पर तुमको लगता है वैक्सीन से तुम मर जाओगे, हैं? ऐसे लोगों के लिए रामाधीर सिंह कह गए कि बेटा मैं तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। वैसे एक नेताजी इसे भाजपा की वैक्सीन बता चुके थे, पर मैं उन नेताजी से कहना चाहता हूँ, सर सर, बीजेपी खुद अपने किए हुए काम का क्रेडिट नहीं ले पाती, और इसमें आप हमारे साइंटिस्ट की मेहनत का क्रेडिट उनको काहे को दे रहे हो, हैं? इनफैक्ट बड़े नेताजी से सीख लेना चाहिए हमको। राजनीति में उनका कद ऐसे ही नहीं बढ़ा है। उनको मालूम है कि लड़के चाहे जो कहें, लड़के हैं गलती हो जाती है, लेकिन उन्होंने वैक्सीन लगवा ली और ये भी बता दिया कि जिसका जलवा कायम है उन्हीं का नाम मुलायम। ये देखकर टीपू भैया ने भी कहा कि हम भाजपा की वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, सरकार की वैक्सीन का नहीं। इस हिसाब से तो कल को कलमाड़ी भी बोल देंगे कि मुझे भ्रष्टाचार से नफरत है, पैसों से नहीं। विजय माल्या भी बोल देगा मुझे लोन से डर लगता है, भागने से नहीं। सल्लू भाई भी कल को ये बोल सकते हैं कि मुझे न्यूटन से नफरत है, फिजिक्स से नहीं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वैक्सीन को लेकर के जो जो लोग कंफ्यूजन फैलाए थे, लगभग ये सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। और रामाधीर सिंह मेरे को इस बात पर फिर याद आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो होते तो वैक्सीन पर जो लोग झूठी मूठी अफवाह फैला रहे हैं उससे यही कहते कि अब तो सच बोल दे। Well, सबसे ज्यादा समझदार वो लोग हैं जो स्लॉट होने के बाद भी स्पुटनिक और फाइजर का इंतजार कर रहे हैं। उनको विदेशी वैक्सीन पर ज्यादा भरोसा है। खैर, मसाला बनाने वाली एक कंपनी ने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि शौक बड़ी चीज है, और यही लॉजिक सुनकर सरकार ने शायद ये डिसीजन लिया है कि अब नाक से सूंघने वाला डोज भी शायद दिया जा सकता है। उसकी भी तैयारी चल रही है, इसलिए चल रही है ताकि कुछ लोग वो चीजें सूंघना बंद कर दें जिसके बाद ऐसे ऐसे बयान देते हैं। वैसे मेरा एक फूड ब्लॉगर दोस्त है, इसी टॉपिक पर मेरे को उसने फोन किया और बोला कि भाई अभी तो सब बंद है, किसकी दुकान में जाके वीडियो बनाओ। मैंने बोला भाई देख ले, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। फिर वो मुझसे कहता है, भाई तेरे कॉन्टैक्ट में कोई अगर वैक्सीन बनाने वाला हो तो उसकी वैक्सीन बनाते हुए वो रेसिपी की वीडियो डालूंगा ना, बहुत वायरल हो जाएगी। अच्छा, तब से मैं उस दोस्त के पीछे ऐसे दौड़ रहा हूँ, ऐसे। अबे रुक। लेकिन कई सारे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो वैक्सीनेशन को लेकर एकदम हाइपर एक्टिव हैं। उनसे अगर आप पूछो कि वैक्सीन ले ली, तो बोलते हैं हाँ ले ली, पूरे परिवार को लगा दी, बच्चों के लिए भी हमने मंगाई, लेकिन फिर वो वैक्सीनेशन सेंटर वाले ने हमको दौड़ा लिया, बोला बच्चों की वाली वैक्सीन बनी नहीं है अभी। मैंने कहा हाँ भाई अभी नहीं दे रहे हैं बच्चों को। उसने बोला नहीं दे रहे हैं तो क्या, लेके रख लेंगे फ्रिज में, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको लगा देंगे। मैंने कहा भैया इस दिमाग से तो बच्चे तेरे साथ बड़े ना हो तो ही अच्छा है। खैर, कुल मिलाकर वैक्सीन को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। हेलो, क्योंकि ये वैक्सीन है, पिज्जा का कोई टाइप नहीं है कि डबल चीज मार्गरीटा ऑर्डर करें या फार्म हाउस। जो भी मिले, जब भी नंबर आए, तुरंत वैक्सीन लगवाएं। अंत में कविता सुना रहा हूं, उसको सुनकर फिर जाएं कि जब जान की परवाह किए बिना खतरों से खेला करते हो तो एक डोज के बदले में क्यों इतना नाटक करते हो, हैं? अरे जब खैनी गुटका चरस चिलम न तुमको कभी डराते हैं तो ज्ञानी बाबा काहे को वैक्सीन पे यूं भड़काते हैं। अरे बिना हेलमेट और बिन कागज के सड़कों पे धूम मचाते हो, बस एक क्लिक की बात मगर तुम बुकिंग नहीं करवाते हो। अरे तुम भैंस हो किसी तबेले की, मैं आगे बजती बीन प्रिय, तुम कोरोना का म्यूटेंट हो और मैं उसकी वैक्सीन प्रिय। मैं जितना ही समझाता हूं तुम उतना ही बहकाती हो, खुद को करवा के वैक्सीनेट हमें ज्ञान पेलने आती हो। ये वाली जो लाइन हमने सुनाई है उन नेता लोग के लिए जो बाकी लोग को तो भड़काए, लेकिन जैसे उनका नंबर आया तुरंत अपने को कुंचवाए, क्या वैक्सीन। आगे बढ़ते हैं कि ये तुक्का नहीं है कोई, ये है मेहनत दिन रातों की। ये तुक्का नहीं है कोई, ये है मेहनत दिन और रातों की। ये एक कहानी कहती है बेहतर होते हालातों की। जी हाँ, वैक्सीन ही हमें बचा सकती है थर्ड वेव से, इसलिए प्लीज नंबर आए तो वैक्सीन लगवाएं। और आखिरी दो पंक्तियां कि तुम इंतजार हो स्पुतनिक का, मैं कोवैक्सीन का ट्रस्ट प्रिय। तुम इंतजार हो स्पुतनिक का और मैं कोवैक्सीन का ट्रस्ट प्रिय। लगवाओ चाहे कोई भी, पर वैक्सीन है मस्ट प्रिय। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो पूरा देखने के लिए, अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो देख कहां से रहे हैं, वैक्सीन आपने लगवाई या नहीं लगवाई, किसी ने आपको भड़काया तो आप भड़क गए, डराया तो डर गए। जो भी कमेंट करना आपको वैक्सीन से जुड़ा हुआ, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और ये जरूर लिखना कि आप वीडियो देख कहां से रहे हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम पे इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा उसको टैग करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।